हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजी डिजिटल वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कैसे आप एक सफल यूट्यूबर बन सकते हैं। यदि आप ये सब कुछ बिल्कुल डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप एक सफल यूट्यूबर कैसे बन सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान देना होता है। यहाँ पर मैं आप सभी से जो कुछ बता रहा हूँ इसके बारे में मैंने पूरे विस्तार से एक आर्टिकल लिखा हुआ है, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके सीधे इस वाले पोस्ट पे आ सकते हैं। यहाँ पर मैंने बिल्कुल डिटेल में 16 टिप्स दिए हैं आप सभी को, जिसको अपना करके आप अपने यूट्यूब करियर में ग्रो कर सकते हैं। आज के समय में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं और यूट्यूबर बन करके अपना नेम फेम कमाना चाहते हैं। आप भी कहीं ना कहीं उसमें से एक व्यक्ति होंगे जो यूट्यूब चैनल बना करके एक सफल यूट्यूबर बनना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि किन किन बातों का ध्यान दिया जाता है यूट्यूब पर। तो अब आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर मैं आप सभी से टोटल 16 टिप्स बताऊंगा जिसको यूज करके, जिसको अपना करके आप यूट्यूब के करियर में बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं और लंबे समय तक बने रह सकते हैं। सबसे पहली बात जो अपने आप से पूछनी है वो ये कि आप एक यूट्यूबर क्यों बनना चाहते हैं। यदि आप यूट्यूब पर वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आपके पास में इस सवाल का जवाब होना चाहिए कि आप एक यूट्यूबर क्यों बनना चाहते हैं। क्या आप एक सिंगर हैं, लोगों को गाना गा के सुनाना चाहते हैं? क्या आप कॉमेडियन हैं जो फनी वीडियो बनाना चाहते हैं? या फिर क्या आप एक टीचर हैं जो लोगों को पढ़ाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं? मतलब ऐसे क्या कारण है कि आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं? ये बात आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। जब आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि आप यूट्यूबर क्यों बनना चाहते हैं, ये कारण मालूम चल जाएगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा यूट्यूबर सफल होना। दूसरा पॉइंट है वो ये कि आपने यूट्यूब को ही क्यों चुना। दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन आपने यूट्यूब को क्यों चुना ये भी कारण आपको पता होना चाहिए। क्या आप यूट्यूब पर पैसा कमाने के पर्पज से आ रहे हैं या फिर नेम फेम कमाने के पर्पज से आ रहे हैं? ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपको यूट्यूब पर आने का, तो आपके पास इस सवाल का स्पष्ट जवाब होना चाहिए कि आपने यूट्यूब को ही क्यों चुना। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि एक सही कैटेगरी या निश का सिलेक्ट करें। वैसे देखा जाए तो यूट्यूब पर काम करने के लिए हजारों कैटेगरी हैं, टॉपिक्स हैं जिस पर आप वीडियो बना सकते हैं, लेकिन जब भी आप यूट्यूब पर आएँ तो हमेशा एक बात का विशेष ध्यान दें कि आप वही कैटेगरी या निश को सिलेक्ट करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो या फिर जिस फील्ड के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी है। जब आप कैटेगरी सही सिलेक्ट करेंगे और वह कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे जिसके बारे में आपको जानकारी है या फिर जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप लंबे समय तक यूट्यूब पर बने रहेंगे और हर समय अपने व्यूअर्स को नए नए वीडियो बना के देंगे। अगर गलती से आपने ऐसा निश सेलेक्ट कर लिया जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप लंबे समय तक नहीं बने रहेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप YouTube पर आएँ तो वही कैटेगरी या निश सेलेक्ट करें जिसके बारे में आपको जानकारी हो या फिर जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। चौथा पॉइंट है वो ये है कि आप अपने ऑडियंस को जानिए। ऑडियंस को जानने से मेरा मतलब ये है कि आप सबसे पहले समझिए कि जो आप वीडियो बना रहे हैं उसको देखने वाले कौन लोग हैं। बच्चे हैं या फिर मीडियम एज के लोग हैं या फिर मेल हैं, फीमेल हैं, कौन से लोग हैं जो आपकी वीडियोस को देखने वाले हैं। अपने ऑडियंस को जानने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अपने कंपटीटर्स को जान जाइए। जब आप अपने कंपटीटर्स को जान जाएंगे तो वहाँ से आपको मालूम चल जाएगा कि इस कैटेगरी के वीडियो कौन कौन लोग देखते हैं। बच्चे देखते हैं, बुजुर्ग देखते हैं कि मीडियम एज के लोग देखते हैं कि मेल देखते हैं, फीमेल देखते हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी ऑडियंस इस टाइप की है तो आप उसमें और अधिक इम्प्रूवमेंट ला पाएंगे। पांचवा पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है वो ये कि अपनी कैटेगरी में या फिर अपनी नीच में कंपटीशन का पता लगाएं। आप जिस भी कैटेगरी में चैनल बनाना चाहते हैं या फिर आप जिस भी नीच में अपना चैनल बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये पता करिए कि उसमें कंपटीशन कितना है। कितने ऐसे लोग हैं जो पहले से इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं या काम कर रहे हैं? यदि मैं इस फील्ड में एंट्री मारूंगा तो मेरा कितना स्कोप बनेगा? ये बात जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप ये पता लगा लेते हैं कि मेरा इस फील्ड में कंपटीशन कितना है या फिर कितना कंपटीशन होगा, तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाती हैं खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। छठा पॉइंट है यूट्यूब चैनल बनाएं। यूट्यूब चैनल बनाना बहुत ईजी है, इसके ऊपर मेरा कंप्लीट वीडियो है जिसे आप अपने मोबाइल से या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर का यूज़ करके बहुत ही कम समय के अंदर एक बढ़िया यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं जहां पे मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है कि आप यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं, या फिर उस वीडियो का लिंक जो है ऊपर आई बटन मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं आप सभी। सातवां पॉइंट है वो ये कि रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करें।
यदि आप वास्तव में YouTube पर एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ऑडियंस के साथ एक रिलेवेंट और सही जानकारी शेयर करें। मतलब क्या कि जिस कैटेगरी में आपका चैनल है, कोशिश करें कि आप उसी कैटेगरी से जुड़ा वीडियो बनाएं। इससे आपका उस कैटेगरी में बहुत अच्छा ब्रांडिंग हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चैनल बनाते हैं किसी और कैटेगरी में और वीडियो कुछ और डालने लगते हैं, जिससे व्यूज तो आ जाते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, लेकिन आने वाले समय के अंदर जो है सब्सक्राइबर खूब ज़्यादा रहेंगे लेकिन व्यूज नहीं आएगा। तो आप ऐसा गलती ना करें। आपका चैनल जिस कैटेगरी में है, जिस नीश के ऊपर चैनल है, उसी से जुड़ा हुआ वीडियो अपने चैनल पर शेयर करें। आठवां पॉइंट है, अपने वीडियो की क्वालिटी पर ध्यान दें। जब भी आप YouTube के लिए वीडियो बनाएं तो वहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान दें कि आपके वीडियो क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। अगर क्वालिटी थोड़ा 19-20 में हो जाए चल सकता है, लेकिन वॉइस क्वालिटी है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। जब आपके वीडियो क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी अच्छी रहेगी तो उस पर व्यूअर लंबे समय तक टिकेगा और वीडियो को लाइक भी करेगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। यदि आप YouTube पर बिल्कुल नए हैं तो हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें अच्छी ना हो, तो उस केस में आप अपने वॉइस क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप सिंपली एक बोया का ऐसा माइक खरीद सकते हैं जो आपको 700-800 के अंदर मिल जाएगा। नवा पॉइंट है वो है YouTube वीडियो को ऑप्टिमाइज करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आप ये चाहते हैं कि आपकी वीडियोज पर लंबे समय तक व्यूज आए, लंबे समय तक सर्च लिस्ट से वीडियो बना रहे, तो बहुत जरूरी है कि वीडियो को ऑप्टिमाइज करें। ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या है कि आपका टाइटल सही होना चाहिए। टाइटल ऐसा रखें जिसपे लोग सर्च करते हों। जब आपका टाइटल ऐसा होगा जिस पर लोग सर्च करके आते हैं तो वो वीडियो लंबे समय तक YouTube बना रहेगा। दूसरी बात आपको ध्यान देनी है ऑप्टिमाइजेशन में, वो है अच्छे अच्छे टैग यूज करें। वो टैग यूज करें जो आपके टाइटल से जुड़ा हुआ टैग हो। जब आप वो टैग यूज करते हैं जो आपके टाइटल से जुड़ा हुआ होता है तो आपके वीडियोज अलग अलग कीवर्ड पर भी रैंक करने लगते हैं। तीसरा बात आपको यहाँ पर ध्यान देना होता है ऑप्टिमाइजेशन में, वो है कि अपने टैग और टाइटल को मिला करके 100-300 वर्ड का डिस्क्रिप्शन लिखें। डिस्क्रिप्शन से क्या होता है कि आपके जितने भी टैग होते हैं, कीवर्ड होते हैं, उसके अंदर वो सारे टैग आपके रैंक करने लगते हैं। जब YouTube पर आपके सारे कीवर्ड रैंक करने लगेंगे तो वो वीडियो लंबे समय तक बना रहेगा, जिससे आप उस वीडियो पर लंबे समय तक व्यूज मिलता रहेगा। दसवां पॉइंट है वो ये है कि अट्रैक्टिव और क्लिकेबल थंबनेल बनाएं। YouTube पर व्यूज लाने के लिए थंबनेल का बहुत बड़ा योगदान होता है। थंबनेल बेसिकली वीडियो के ऊपर एक इमेज होता है जिसमें हम अपने वीडियो के बारे में कुछ लिखते हैं। जब आपको कोई थंबनेल अच्छा लगता है तो आप उस पर क्लिक करते हैं तो ही उस वीडियो को देखते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान दें कि आप वैसा थंबनेल बनाएं जो यूजर को मजबूर कर दे क्लिक करने पे। उस पर ज़्यादा क्लिक बेट का यूज ना करें, बस अच्छा बनाएं जिससे अच्छा लगे और उस पर यूजर क्लिक करें। 11वां पॉइंट है वो है आपका वॉच टाइम। इस समय YouTube पर वॉच टाइम का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपके वीडियोस पे वॉच टाइम 50% अधिक आता है तो YouTube उस वीडियो को खुद सजेस्ट करने लगता है। जब YouTube वीडियो को सजेस्ट करने लगता है तो उस वीडियो पर बहुत अच्छे खासे व्यूज आने लगते हैं। और यदि आपके वीडियोज पर 10%, 15% या 20% व्यूज आते हैं तो YouTube वीडियो को सजेस्ट नहीं करता है और वो वीडियो वहीं पर डेड हो जाती है। यदि आप YouTube पर नए हैं तो यहाँ पर विशेष ध्यान दें एक बात का, वो ये कि आप कोशिश करें कि 4-5 मिनट का वीडियो बनाएं, बस उससे अधिक ना बनाएं। जब आप बड़ा वीडियो बनाते हैं तो उस समय क्या होता है कि आपके वीडियोज पर लोग आते हैं, कोई 1 मिनट देखता है, 2 मिनट देखता है, चला जाता है, क्योंकि लोग आपको जानते नहीं होते हैं। और जब आपको जानता नहीं होता है तो क्या देखेगा आपका, देखा 1-2 मिनट चला गया, तो उससे क्या होता है कि आपका वॉच टाइम डाउन होता है। जब वॉच टाइम डाउन हो जाता है तो वीडियो में डेड हो जाती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि शुरू में अपने जो भी वीडियो बनाए वो 4-5 मिनट का बनाए, मैक्सिमम 5 मिनट का। अगर वीडियो 4-5 मिनट का बना रहे हैं आप सभी तो उस पर जो है ऑटोमेटिक 50% से अधिक व्यूज आने लगेगा। और जब यूट्यूब पर 50% से अधिक व्यूज आएगा तो यूट्यूब आपके वीडियो खुद सजेस्ट करने लगेगा। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। 12वां पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी। YouTube पर सफल होने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। यदि आप 2 दिन में एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो हमेशा कोशिश करें कि आप 2 दिन में एक वीडियो अपलोड करें। आप डेली अपलोड कर रहे हैं तो कोशिश करें कि डेली एक वीडियो अपलोड करें। अगर आपका वीकली प्लान है कि आप हफ्ते में एक वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो आप हफ्ते में एक वीडियो अपलोड करें। इस तरीके से आप अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखें। जब YouTube पर आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है तो YouTube आपकी वीडियो को और अधिक लोगों तक सजेस्ट करता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके वीडियोज को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। उस केस में क्या होता है कि जब कंटिन्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो वो वीडियो जो है YouTube के ब्राउज फीचर के माध्यम से उसको भी दिखाया जाता है जो आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहता है। इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है YouTube पर। 13वां पॉइंट है वो है ट्रस्ट, यानी कि आप अपने ऑडियंस के साथ विश्वास बनाएं। विश्वास मतलब मेरा ये है कि आप जो टाइटल लिखें, जो थंबनेल पर लिखें, उससे जुड़ा वीडियो बनाएं। जब आप ऐसा काम करते हैं तो आपकी ऑडियंस आपके ऊपर ट्रस्ट करती है। उनको पता चलता है कि ये बंदा बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन शेयर करता है।
जब आप ऐसा करते हैं, मान लीजिए कि आपने टाइटल कुछ और लिखा है, थंबनेल कुछ और लिखा हुआ है और वीडियो में कुछ और बता रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि ऑडियंस के प्रति आपका विश्वास कमजोर होता है, और जब विश्वास कमजोर हो जाता है तो आपके वीडियो को देखता नहीं है दोबारा। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने ऑडियंस के साथ विश्वास बना के रखें। चौदहवा पॉइंट है वो है कि अपने ऑडियंस को इंटरेक्ट करें। इंटरेक्ट करने का मेरा मतलब यह है, जब भी आप वीडियो बनाएं तो उसे बोलें कि आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, नीचे कमेंट कर बताएं वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये होता है ऑडियंस का इंटरेक्शन। और जब भी आपके चैनल पर कोई कमेंट करता है तो आप हमेशा कोशिश करें कि उसका रिप्लाई करें। जब रिप्लाई करते हैं तो आपके और ऑडियंस के बीच में एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड होता है। जब कनेक्शन बिल्ड हो जाता है तो समझे कि आपके लाइफ टाइम के लिए व्यूअर बन जाता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि अपने ऑडियंस के साथ में इंटरेक्ट करें। पंद्रहवा पॉइंट है वो है सही इक्विपमेंट का यूज करें। सही इक्विपमेंट का यूज करने का मतलब यह है कि आप यूट्यूब पर वीडियो बनाएं तो आपके पास में एक अच्छा कैमरा होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, एक अच्छा सा माइक होना चाहिए। यदि आप YouTube पर बिल्कुल नए हैं तो ये सारा काम अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। जब आपके पास कुछ पैसे आ जाए तो आप अपना सेटअप को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमेशा कोशिश करें कि आपके पास में एक माइक होना चाहिए इस तरीके का, जिससे आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी आए। 16वां और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि अपने वीडियो को एनालिसिस करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपने अब से पहले जितने भी यूट्यूब पर वीडियो बनाए हुए हैं उन सभी वीडियो को एनालिटिक्स टैब में जा करके उसको एनालाइज करिए कि आपके किस वीडियो पर जो है कितना व्यूज आ रहा है, वो व्यूज कहाँ कहाँ से आ रहा है, उस पर ऑडियंस का रिएक्शन कैसा है, उस पर वॉच टाइम कितना जा रहा है, उस पर क्लिक कितना हो रहा है, कितना क्लिक नहीं हो रहा है, ऑडियंस कब डाउन जा रहा है, कब अप जा रहा है, ये सब कुछ आप एनालाइज करें। जब आप अपने पुराने वीडियोज को एनालाइज करते हैं तो आपको वहां से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है कि आप अपने वीडियो में और कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट ला सकते हैं और क्या क्या चीजें आप सुधार कर सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने सभी वीडियोज को, जो भी पहले के वीडियो अपने अपलोड किए हुए हैं, उन सभी वीडियो को एनालाइज करिए एनालिटिक्स के माध्यम से। जब एनालाइज करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक बहुत सारे आइडिया मिल जाएंगे वहां से अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट लाने के लिए। यदि आप सभी इस 16 पॉइंट को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने जो आर्टिकल लिखा है उसका लिंक नीचे अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी को आज का हमारा यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो लोग भी इस टिप्स को यूज करके यूट्यूब पर सफल हो सके और एक सफल यूट्यूबर की श्रेणी में आ सके। यदि आपके मन में कुछ सवाल या कुछ सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, आप मुझे फॉलो करके अपने सारे सवाल पूछ सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब बिल्कुल कुछ ही टाइम बाद मिल जाएगा। अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फाइनली अंगेश कुमारी साइनिंग ऑफ।